अब राजधानी भोपाल की खबर है, उसकी बात करते हैं। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता राशि 40% बढ़ गई है। क्षति पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, 40% से ज्यादा क्षति पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। शहरी क्षेत्रों में लागू होगी ग्रामीण भू स्वामित्व वाली योजना। गैस कांड पीड़ितों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। तो तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है शिवराज कैबिनेट में। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। आज एक बड़ी बैठक हुई थी शिवराज कैबिनेट की और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। आपको बता दें, घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता राशि में इजाफा किया गया है। इसके अलावा शहरों में ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना लागू कर दी जाएगी। गैस कांड, भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, अब वो कानून में तब्दील हो गए हैं। और एक बार फिर राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सदफ हामिद लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सदफ, एक बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी आपको मिल पाई है, किन प्रस्तावों पर मुहर लग पाई है? बिल्कुल, देखिए शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम प्रस्तावों को यहां पर हरी झंडी मिली है। अगर हम मुख्य प्रस्तावों की बात करें तो देखिए, कहीं पर भी जो नई शराब दुकानें हैं वो यहां पर नहीं खुल सकेंगी। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको यहाँ पर मुआवजा देने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर सरकार सामने लाई है, क्योंकि अगर देखने को मिला था मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के केस बढ़े थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें चर्चा की गई और इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं होंगी उनको यहाँ पर देखिए 40% क्षति पर 2 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा अहम प्रस्ताव की बात करें तो आयुष्मान योजना का जो लाभ है अब वो भोपाल के गैस पीड़ितों को मिल सकेगा। शुभम, आपको याद होगा भोपाल में एक बड़ी गैस त्रासदी हुई थी जिसके बाद से जो मरीज थे लगातार परेशान हो रहे थे, अपने इलाज को लेकर मांग कर रहे थे सरकार से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है जहाँ पर अब आयुष्मान योजना के तहत भोपाल के गैस पीड़ितों का इलाज हो सकेगा। एक बड़ी आबादी को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। जो भी मरीज गैस से पीड़ित हुए थे और अब तक उन बीमारियों का दंश झेल रहे हैं उनको अब आयुष्मान योजना के तहत फ्री में किसी भी अस्पताल से इलाज मिल सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदफ अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो तमाम बड़े अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई। सदफ ने जानकारी दी अभी हमें कि कई बड़े प्रस्ताव अब यहाँ पर नियम में तब्दील हो गए हैं।